स्वामी सुब्रमण्यम ने कहा कि हमारा लक्ष्य है उन लोगों को गिरफ्तार करवाना जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मारा है, लेकिन हमें कोर्ट के थ्रू ये करना पड़ेगा, हम खुद से नहीं कर सकते, कानून मानना पड़ता है, हम कानून के देश में, संविधान है, कानून है, कोर्ट के जरिए हमें करना पड़ेगा। तो ये लीगल एविडेंस लगेंगे हमें, बिना लीगल एविडेंसेस के काम नहीं हो पाएगा। मैंने देखा था कि सुनंदा पुष्कर केस में जब टू पनिश गिल्टी पुलिस ने पहले शुरू में एबेटमेंट सुसाइड शुरू किया था अपराधियों के साथ, लेकिन जैसे ट्रायल आगे बढ़ा दिल्ली पुलिस ने उसे मर्डर के केस में तब्दील किया। तो कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी जनता से, सुशांत सिंह के फैन से कह रहे हैं कि फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपराधी हैं, सुशांत के किलर्स हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको उन पर आरोप लगाया जाए, उन्हें बुक किया जाए, और उसके बाद अबेडमेंट ही क्यों ना हो, मगर उसके बाद जब केस चलेगा तब उन पर जब एविडेंसेस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कानून के सहारे हमको चलना होगा और लीगल एविडेंस लाने होंगे, और जब लीगल एविडेंसेस आ जाएंगे तो खुद ब खुद जो अबेडमेंट का केस है वो मर्डर के केस में तब्दील हो सकता है। ऐसा सुनंदा पुष्कर में हुआ, उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के फैंस से धीरज धरने के उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी तरीके से इसे लड़ना होगा। बने रहे हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।